सावधान। फैल रहा अंधविश्वास का मकर जाल, हर रोज मासूम हो रहे हलाल, निजी स्वार्थ में नरबलि का घिनौना खेल, तंत्र मंत्र को रोकने में प्रशासन फेल, इंसानी शैतान के आगे कुदरत लाचार। आज हम ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर कोई भी सहम सकता है, सियर सकता है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अमरोहा में कैलाश और प्रेमवती दोनों पति पत्नी थे, लेकिन उनके साथ ऐसा होता था और उनको बच्चा होता था वो तुरंत ही मर जाता था। पहला बच्चा हुआ वो भी तुरंत मर गया, उसके बाद जो दूसरा बच्चा हुआ कुछ दिन बाद वो भी मर गया, लेकिन जो तीसरा बच्चा हुआ वो तो मरा हुआ ही पैदा हुआ, जिसको लेकर जो दंपत्ति थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे सोचते हैं कि समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, इसको लेकर ऐसा कोई मंदिर नहीं है, ऐसा कोई मस्जिद नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई वैद्य नहीं है, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जिसके पास वे ना गए हों। लेकिन एक तांत्रिक ने उन्हें बताया कि आप ऐसा करो, पूर्णमासी की रात जब चांद पूरा होता है आप गंगा किनारे जाइए, वहाँ एक बकरे की बलि दीजिए और उसके खून से अपनी पत्नी को आपको नहलाना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप अपनी पत्नी को नहलाओ तो वो पूर्णतः नग्न होनी चाहिए, उसके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका खून लगना चाहिए। नमस्कार, राम राम, मैं हूँ आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। आज की सच्ची कहानी को लेकर आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, ये बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक जो थाना पड़ता है उस थाने का नाम है आदमपुर। आदमपुर थाने में गांव है मलकपुर। मलकपुर गांव में रेखा और रमेश, ये भी दोनों पति पत्नी थे, परिवार अपना कुशल मंगल रह रहा था। इनको दो बच्चे थे, पहले बच्चे की उम्र 1.5 साल थी, दूसरे बच्चे की उम्र 4 साल थी। सुबह का समय था तो रमेश को किसी काम से पास के एक शहर हसनपुर जाना था जो मलकपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था, जबकि जो उसकी पत्नी थी रेखा वो खेत में घास लेने के लिए गई थी। 4 साल का बच्चा स्कूल में गया था और 1.5 साल का बच्चा जो था वो घर पर ही अकेला था और सोया हुआ था। लगभग दोपहर के समय जब रेखा खेत से घास लेकर वापस लौटती है तो देखती है कि जो उसका बेटा 1.5 साल का था, इसका नाम यश था, वो अपनी चारपाई पर मौजूद नहीं था। ये देखती ही रेखा के जो दिमाग में कहीं उलझने आती है उसको लगातार ढूंढती है, कभी कहीं ढूंढती है, कभी ढूंढती है, लेकिन यश उसको नहीं मिल पाता है। जब ढूंढते ढूंढते आधा से एक घंटा उसको हो जाता है तो वह आस पड़ोस में इस बात को बताती है। रिश्तेदारों के अलावा काफ़ी भीड़ उस स्थान पर जमा हो जाती है। बच्चे को सब दिशाओं में तलाश किया जाता है, जंगलों में ढूंढा जाता है, सभी घरों में ढूंढा जाता है, लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं लगता है। इतना समय बीतने के बाद भारी संख्या में जो भीड़ है वो नज़दीकी जो दढ़ियाल चौकी थी वहाँ पर पहुँचते हैं। दढ़ियाल चौकी जो प्रभारी थे राम प्रकाश शर्मा, उनसे वे कहते हैं कि ऐसे ऐसे लगभग दोपहर के 1 बजे जो मेरा बच्चा था यश, उसको मैं घर पर छोड़कर गई थी, जब मैं खेत से वापस लौटी तो मुझे बच्चा घर पर नहीं मिला, यश आज गायब है, मैं आपसे आज और प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे को बरामद कीजिए। इतना सुनने के बाद पुलिस चारों तरफ लगातार कैंपिंग करती है, लेकिन बच्चे की तलाश करने के बावजूद भी बच्चा कहीं पर भी उनको नहीं मिल पाता है। इसके बाद वो क्या करते हैं, 22 अगस्त 2022, पूरा दिन बीत जाता है, अगले दिन वो तलाश करते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता, सभी लोग खेत में चले जाते हैं। लेकिन दोपहर के एक समय गांव का ये व्यक्ति जब खेत से वापस आ रहा था वो देखता है कि एक कुत्ता गले अपने मुंह में एक हड्डी लेकर घूम रहा है। वो हड्डी किसी और की नहीं बल्कि उस 1.5 साल के बच्चे यश की ही थी।
इतना देखने के बाद वो शोर मचा देता है। उस स्थान पर भारी संख्या में भीड़ जुट जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी अपने दल बल के साथ उस स्थान पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पूरे जंगल में दोबारा फिर से कैंपिंग की जाती है। तो अलग अलग स्थानों में 7 टुकड़ों में कटी हुई उस बच्चे यश की जो बॉडी है वो बरामद हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाती है बच्चे की। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। बताया जाता है कि बच्चे की कल रात लगभग 10 बजे गला दबाकर हत्या की गई थी। उसके बाद रात के लगभग 12 बजे धारदार हथियार से बच्चे के 7 टुकड़े किए गए और इसका जो खून था वो उस स्थान से कलेक्ट किया गया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है। इस घटना से जहाँ पूरे गांव में तनाव का माहौल था, पूरे परिवार में तनाव का माहौल था, आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल था, लेकिन उस बच्चे की जो चाची थी प्रेमवती, उसके चेहरे पर भी कहीं कोई भाव इस प्रकार का दुख का नहीं था। वो आराम से अपना जीवन यापन कर रही थी। पुलिस जब संदेह के आधार पर सभी लोगों से पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि इसकी जो चाची है प्रेमवती, उस पर हमको संदेह लग रहा है। इस संदेह के आधार पर पुलिस प्रेमवती को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले आती है। प्रेमवती के साथ साथ उसके पति कैलाश को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कैलाश से जब सख्ताई से पूछताछ की जाती है तो कैलाश बताता है कि हमको कोई भी संतान नहीं हो रही थी, इसलिए हम क्षेत्र में सभी मंदिर मस्जिद डॉक्टर वैद्य तांत्रिकों के पास गए। तो हमें ही एक पास का गांव है कैलाखेड़ा, कैलाखेड़ा में एक तांत्रिक है नसीम अली। नसीम अली ने मुझे बताया कि अगर आप रात के 12 बजे गंगा किनारे एक बकरे की बलि दे दें और उसके खून में अपनी पत्नी को पूर्णतः नहला दें तो आपको संतान हो सकती है। हमने ऐसा किया लेकिन उसके बाद भी हमारा जो बच्चा था वो पेट में ही मर गया था। उसके बाद ना तो हम किसी तांत्रिक के पास गए, ना ही हम किसी डॉक्टर वैद्य किसी के पास नहीं गए। लेकिन जब पुलिस प्रेमवती से सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रेमवती बताती है कि मैंने अपने रिश्तेदारों को इस बात की खबर की थी, अपने परिवार वालों को इस बात की खबर की थी, तो मेरा जो भाई है वो मेरे पास आया था, हमने बैठकर आपस में जो चर्चाएं की, तालमेल जो हमने बनाया, तो मेरा जो भाई था वो दोबारा मुझको नसीम अली के पास ले गया। वो नसीम अली ने हमें बताया, एक पैसे का लालच भी तांत्रिक को था कि अगर आप किसी छोटे बच्चे की बलि दे दें और उसके खून से एक तांत्रिक क्रिया मैं करूँगा, उस तांत्रिक क्रिया के बाद आपको संतान हो सकती है। इसके बाद हम घर वापस आ गए थे और लगभग 10,000 रुपये उन्होंने उस तांत्रिक को उस क्रिया के लिए उस समय दिए थे। उस तांत्रिक क्रिया के लिए जब मैंने बच्चा ढूंढना शुरू किया, ये प्रेमवती के जो बयान हैं जो आज भी लिखे हुए रखे हैं, ये 22 अगस्त 2022 की घटना है अमरोहा ज़िले की। प्रेमवती ने बताया कि जब मैं वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेरा जो भतीजा है यश, वो दोपहर के समय घर पर अकेला रहता है। इतना देखने के बाद मैंने तांत्रिक को दोबारा फ़ोन किया और मैंने कहा कि बच्चे का प्रबंध हो चुका है। मैंने दोपहर के लगभग 1 बजे यश को उसके घर से उठाया और अपने घर में ले जाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी और इस बात की सूचना मैंने तांत्रिक को दे दी थी। इसीलिए रात के लगभग 12 बजे तांत्रिक 20 किलोमीटर चलकर मलकपुर गांव पहुंचा। मलकपुर से हम जंगल में वहां पहुंचे और 12 बजे बच्चे के हमने 7 टुकड़े किए। 7 टुकड़े करने के बाद उसके खून से हमने तांत्रिक विद्याएं की और उस बच्चे के टुकड़ों को हम वहीं पर फेंक कर चले आए थे। लेकिन जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसको जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही थी, उसकी जब मेडिकल रिपोर्ट कराई गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो प्रेमवती थी वो 3 महीने से गर्भवती थी और उसका बच्चा उसके गर्भ में सुरक्षित भी था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल था।
सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जब लोग इस बात का पता चला तो लोगों के अंदर इस बात से गुस्सा और रोष दोनों था। हालांकि उसके जेठ जेठानी ने चौंकाने वाले बयान उसके बाद दिए थे। उन्होंने कहा था अगर मेरी देवरानी जो है प्रेमवती, इसको बच्चे की ज़रूरत थी तो मेरे बेटे यश को अपने पास रख लेती, दोनों बच्चों को मेरे पास अपने पास रख लेती, उन्हें बताओ किसी का कत्ल करने की, किसी बच्चे की जान लेने की क्या ज़रूरत थी। इस प्रकार की सच्ची कहानी के लिए हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए IS24 न्यूज़। इस कहानी का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि जिससे अंधविश्वास रूढ़िवादिता से हम एक दूरी बनाए रखें। नमस्कार, राम राम।